बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव भोगपुर में गरीब की झोपड़ी में लगी आग से घरेलू सामान जलकर हुआ खाक। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान में रात बिताने को मजबूर हुआ परिवार। सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा प्रशासन, ग्रामीणों में भारी रोष। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव भोगपुर निवासी कालूराम मेहनत मजदूरी करके परिवार की गुजर बसर करता है। बीती शाम अज्ञात कारणों से उसकी झोंपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे उसके घर में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में 13 मुर्गियां, वृद्धा का ई रिक्शा, 2 साइकिलों सहित 2 कुंतल अनाज, भूसा और बिस्तर आदि जल गए। घटना के समय कालूराम और उसका पुत्र घर से बाहर थे। घर में केवल उसकी पत्नी भगवती और बच्चे थे। ग्राम प्रधान पुत्र मंगतलाल काम्बोज के अनुसार गरीब परिवार को इस अग्निकांड में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। उनके द्वारा प्रशासन से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद कराने की मांग की है। देखिए जनसंवाद की यह रिपोर्ट। ग्राम प्रधान पुत्र मंगत सिंह कम्बोज भोगपुर। ये मेरे गांव की घटना है। 22 दिसंबर को शाम 6 बजे की, बच्चे ही घर पे थे इनके, और अचानक किसी कारण से इनके घर में आग लग गई। और ये एक बुढ़िया माता है यहाँ पर, जिसका ये घर था, और उसका सारा घर का सामान, चारपाई, बिस्तर, कपड़े और कुछ खाद्य सामग्री जो थी, धान वगैरह, गेहूँ वगैरह, सारा जल के राख हो गया। कुछ मुर्गी भी पाल रखी थी इन्होंने, 12-14 मुर्गी थी, वो भी इसमें जन हानि भी हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं यही चाहता हूँ कि इसमें राजस्व जो भी है अपना मदद करे। इस परिवार की काफ़ी गरीब परिवार है और सर्दी का समय भी है, तो ऐसे परिवार की मदद होनी चाहिए।